गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आजकल चल रहे हैं नवरात्रि और नवरात्रों में सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है वो है साबूदाना और एक्चुअली सबको घर में बहुत ही पसंद आ जाता है। तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ, साबूदाना की खिचड़ी, जो कि सब बहुत टेस्ट से खाते हैं, हेल्दी भी होती है और बहुत जल्दी जल्दी नवरात्रों में 2-3 बार तो एटलीस्ट बन जाती है। तो उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस यूज़ करनी है आपने, क्या प्रिकॉशन यूज़ करनी है, कैसे उसे खिला खिला बनाया जाए और कैसे उसको टेस्टी बनाया जाए, चलिए मेरे साथ बनाते हैं साबूदाना की खिचड़ी। फ्रेंड्स, साबूदाना खाने में जितना ही टेस्टी बनता है उसको बनाने में थोड़ी सी प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबसे पहले तो आपने अच्छी क्वालिटी का साबूदाना लेना है और उसको जो भिगोने, मतलब आपको डिप करके रखना है 4 से 5 घंटे, वो जो आपने टाइम लेना है और वो जो वाटर लेना है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अब मैंने यहाँ पे अगर 2 कटोरी साबूदाना लिया होगा तो उसमें 2 ही कटोरी मैं पानी डाल के रखूँगी और उसको सबसे पहले जो आपने है साबूदाना लेने के बाद 4 से 5 बार अच्छे से इसको धोना है। इसका ऊपर जो वाटरी होता है वाइट कलर का, वो थोड़ा चिपचिपा वाला होता है, उसको निकाल दीजिए ताकि बनाते वक्त वो खिला खिला बने। जब अच्छे से आप धो लेंगे 4 से 5 बार, तो जितना आपका साबूदाना, अगर 2 कटोरी आपने साबूदाना लिया है तो 2 कटोरी ही पानी लेके उसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए डिप करके रख दीजिए। ये देखिए, 4 घंटे के बाद ये ऐसे फूल जाएगा, पानी जो है बिल्कुल नाम मात्र का रह जाएगा और आपने इसको हाथ से हिला के देखना है, ये बिल्कुल देखो सॉफ्ट हो चुका है, फूल चुका है। इसी टाइप से आपको साबूदाना यूज़ करना है। उसके बाद आपने एक छन्नी में इसको छान लेना है, जितना भी पानी है इसको सारा पानी निकाल दीजिए, वो पानी बिल्कुल भी आपकी खिचड़ी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जो आपकी खिचड़ी बनेगी साबूदाना की वो बहुत ही गिलगिली सी और बेकार सी बनेगी। तो अच्छे से इसको सुखा लीजिए छन्नी में डाल के। अब एक तरफ बड़ा सा एक पैन ले लीजिए और उसमें आपने जो रॉ पीनट्स होती हैं लगभग 200 ग्राम के आसपास, 2 कटोरी अगर आपने भिगोया है तो 200 ग्राम के आसपास रॉ पीनट्स को आप उसमें डाल दीजिए। और इस टाइम पे आप देखिए, मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है, इसको मैं जो है भून रही हूँ, ऐसे ही सूखी ही भून रही हूँ बिना तेल के। और जैसे ही भून जाती है इसको निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसको कच्ची भी यूज़ कर सकते हैं, कई लोग उसको ऐसे कच्चा ही डाल लेते हैं, पर मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा स्लाइटली सा भून लेती हूँ, क्योंकि उसमें जो आपको साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी आएगा। चलिए, इसको निकाल लिया है एक प्लेट में। अब इसमें छोटे छोटे पीस किए हुए आप आलू डाल लीजिए। आलू ऑप्शनल है, पर अगर आप डालेंगे तो सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। जैसे ही आप आलू डालते हैं थोड़ी देर के लिए इसको भूनिए, आलू का जैसे ही कलर हल्का हल्का चेंज होने लगेगा उसी टाइम आप इसमें जीरा डाल लीजिए। आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, मैंने होल जीरा डाला है, होल जीरा का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी अदरक डालिए क्रश की हुई जी, ज़्यादा अदरक नहीं डालनी, 1 स्पून के आसपास अदरक डालिए क्रश की हुई है, और उसके बाद इसको अच्छे से हिला लीजिए। बस जैसे ही आपका मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा उसी टाइम पे आपने इसमें ग्रीन चिलीज डालनी है। हरी मिर्ची आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो बड़े बड़े पीसेस में स्लाइड करके डाल लीजिए और चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में भी इसको डाल सकते हैं। हरी मिर्ची को हल्का सा भून लीजिए और साथ ही साथ उसमें डालिए कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता ढेर सारा डालिए क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होगा। चलिए, अब बारी है जो पीरियड्स मैंने हल्की सी रोस्ट करके रखी थी। आप देखेंगे रोस्ट मैंने बहुत सारा की थी लेकिन डाली बहुत कम है, तो आपने 1/4 जो है पीनट्स ऐसे डाल देनी है, बाकी 3/4 जो हमने रोस्ट करके रखी है उसको हम करेंगे ग्राइंड, वो हमने ग्राइंड करके डालनी है ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा उमदा आए। आप खाली ऊपर से डाल देंगे तो वो आपके मुंह में तो आएंगे पीनट्स लेकिन इंटरनल टेस्ट नहीं आएगा, तो अंदर से टेस्ट डालने के लिए हमें क्या करना है, पीनट्स को क्रश करना है अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने टमाटर को छोटा छोटा पीसेस में काट के इसमें डाल दिया है, क्योंकि टमाटर का जो टेस्ट है वो बहुत ही रसीला आएगा। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है साबूदाना खिचड़ी में टमाटर, तो आप एक बार मेरे कहने पर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा। तो चलिए, टमाटर को हल्का सा ढक के मैंने इसको स्टीम हल्की सी ले ली है 1 से 1.5 मिनट तक की, और अब सारे मसाले मेरे मिक्स हो चुके हैं। अब जो मैंने क्रश करके रखी है
भुनी हुई मूंगफली, रॉ मूंगफली, उसको भी इसमें डाल देंगे। आप देखिए कटोरी भर के क्रश की मूंगफली है जो 3/4 मैंने संभाल के अलग से रखी थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप ऐसे बना के देखिए, मतलब आप मूंगफली को दो हिस्सों में बांट के देखिए और फिर डालिए। आप पहले जैसे आप बनाते होंगे उससे आपका टेस्ट बहुत ही बेहतर आएगा। चलिए जब सारे मसाले आपस में लग चुके हैं, उसी टाइम पे जो आपने ड्राई करके साबुत बनाना साइड में रखा हुआ है उसको अच्छे से इसमें डाल दीजिए। और आधी चम्मच के आसपास आपको नमक डालना है। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और मैं थोड़ी सी हल्दी भी इसमें डालती हूँ, तो अगर आप हल्दी खाते हैं इस टाइम पे तो आप हल्दी भी इसमें थोड़ी सी डालिए। और चाहें तो काली मिर्च बहुत अच्छे से बनती है इसमें, काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो 1/4 स्पून आप इसमें काली मिर्च भी डालिए और उसके बाद इसको अच्छे से मैश कीजिए। और बिल्कुल हल्के हाथ से मैश कीजिए क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रेस हो जाता है। हल्के हाथ से मैश करके और इसको चलिए गर्मा गर्म ही एकदम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये बिना हल्दी के एक बोल निकाल लिया है साबुदाना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हल्दी के बिना खाते, नवरात्रों में हल्दी नहीं यूज़ करते तो वो ऐसे ही खा सकते हैं। मैं हल्दी का यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने हल्दी डाल के इसको दोबारा से हिला दिया है। और हल्दी के साथ खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए इसको भी गर्मा गर्म एकदम सर्व करते हैं।